मेरे पास एक सत्संगी का मैसेज आया है और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा है और इनका नाम कोमल सिंह है। ये अपना एक्सपीरियंस जो भी सत्संग में गई वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो मैं आपको उनका एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि वो सत्संग में गई तो क्या क्या उन्होंने देखा। उन्होंने कहती हैं कि मैं पहली बार सत्संग में गई और वहाँ पर देखा कि बहुत सारे सेवादार अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं और जो संगत आ रही है उनको भी वो देख रेख कर रहे हैं। मैं काउंटर से ले के सत्संग सेठ तक गई, वहाँ तक काफ़ी सेवादार वहाँ पे लगे हुए थे और काफ़ी संगत भी आई हुई थी। सभी संगत बहुत ज़्यादा खुश थी। 1 घंटे के सत्संग में मैंने सीखा कि कैसे रहना है, कैसे चलना है और कैसे अपना जीवन में अच्छा खासा मुकाम हासिल करना है। जब सत्संग 1 घंटे का सत्संग हुआ तो 1 घंटे के सत्संग में सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन रख रहे थे बाबा जी के सामने और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भी अपना एक्सपीरियंस उनके सामने रखूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और हो सकता है तो मैं अगला बार अगर जाऊंगी तो ज़रूर अपना भी बात उनके सामने रखूंगी, मैं भी क्वेश्चन करूंगी। तो मुझे पहली बार डेरे में जाकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपना जो भी ज़िंदगी है उसके बारे में मैं सोचने लगी। और मेरा उसी दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन जो होता था वो टेंशन काफ़ी ख़त्म हो गया और मैं अब बहुत ज़्यादा खुशी से रहने लगी। तो यही थी इनका एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर की। काफ़ी छोटा सा है लेकिन थोड़ा बहुत ही इसमें बात है। उन्होंने बताया कि इतना ही मेरा एक्सपीरियंस था, जैसे ही आगे मैं जाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी कैसा महसूस होता है और कैसे जाना चाहिए सत्संग में। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर सकते हैं।